मैंने अपना पूरा जीवन झारखंड में ही बिताया है, पर आप मुझे आदिवासी नहीं कह सकते, क्योंकि बचपन में मुझे बताया गया था वो हमसे अलग है। लोग अक्सर मुझसे ये कहते हैं, झारखंड भारत के प्राचीन और अविकसित राज्यों में से एक है, और मैं उनसे अक्सर ये पूछता हूँ, आपके लिए विकास के मायने क्या हैं? क्या आप इन महिलाओं को देख सकते हैं? ये जंगल में से लाए कुछ हाइड्रोफोबिक पत्तों को जोड़कर पीने का प्याला बना रही हैं, फिर उसमें मदिरा देकर हमारा अपने घर में स्वागत करती हैं। इनकी यही संस्कृति है। क्या आपके लिए प्लास्टिक का प्रयोग न करना एक विकसित समाज की निशानी नहीं है? आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में, पर ये कहानी मेरे बारे में नहीं है। ये कहानी तो हर उस व्यक्ति के बारे में है जो जीवन में कभी ना कभी उस सफर पर निकलता है जिसमें वो खुद को खोज सके। ये कहानी उसी सफर के बारे में है। Sir, what is ISKCO and how did you come across it? Sure. Let me know when I talk. We can start? Yeah, yeah, we can start. Okay. So, the rock shelter of ISKCO actually... ISKCO. इस जगह की महत्वपूर्णता आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये चलचित्र यहीं शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाए। इतना कुछ है इस जगह के बारे में बताने को। झारखंड की राजधानी से कुछ महज 80 मील दूर इन 15,000 साल पुराने खंडरों ने मानव सभ्यता के कुछ ऐसे रहस्य दबा रखे हैं जिसे उजागर करने में एक जीवन बीत जाए। अगर लोक कथाओं की माने तो इस गांव के आदिवासी समाज का ये मानना है कि प्राचीन काल में एक राजा था जिसने अपनी विवाह यहाँ संपन्न की, इस वजह से इन गुफाओं को प्रचलन मिली। वो राजवा रानिया रहे ना, राजवा रानिया रहे तो वहाँ शादी कैलक, तो ओकर बाद है से वहाँ से निकल गया। ओकर बाद कह दिले कि ये एक रात में चट्टान बन जा बन गया, वो अपने आप बन गया, अपने आप बन गया। तो वही आए के ही कोहबर लिख ले, वही लिख ले। ऐसे मानव जिनकी मात्र एक कथन पर चट्टान का निर्माण हो जाए, ये बात की पुष्टि करना तो असंभव था, मगर गुफाओं में जो मुझे मिला वो किसी अचंभे से कम नहीं। आकृतियाँ, कुछ ऐसी आकृतियाँ जो हमसे कुछ कहना चाहती हूँ, ऐसी आकृतियाँ जो किसी रहस्यमय चीज़ को दर्शाती हैं, या फिर ये उस नक्शे की तरह है जिसको पढ़ने और समझने की लिपि अब विलुप्त हो चुकी है। भला किसने बनाई होंगी ये और क्यों बनाई होंगी? ये हमसे क्या कहना चाहती हैं? मुझे इस जगह ने कुछ इस तरह प्रभावित किया कि मुझे अब अपने प्रश्नों के उत्तर जानना था। Now the ISKCO rock shelter is basically a cobra hooded rock shelter which is 100 feet long. It is referred to as the kohvar. So the kohvar is a term which is denoted for marriage. This also makes us believe the first families which were formed after the ice age was taking place maybe in the Mesolithic period. So the rock arts have been dated from Mesolithic to the Chalcolithic. It's called Mesochalcolithic, which means they were painting when they were living in the caves. They were also painting during the process of sedentarization. So it has been painted over several thousands of years. You can imagine one slate and generations of generation writing on the same slate. इसका तो ये अर्थ है कि आदिवासियों के द्वारा बताई गई लोक कथाएं पूर्ण रूप से झुठलाई नहीं जा सकती। इन विषयों के बारे में और जानकारी तो सिर्फ उन्हें होगी जो मूल रूप से यहीं के निवासी हों। Can you talk about these early people who came here and settled? The earliest people of our Nochotonagpo Plateau were of course the Birhors, so they are the proto-australoid stocks. And then we also had the Asurs, the iron smelters. तो मैं निकल पड़ा उन लोगों की तलाश में जो प्रकृति से आज भी वैसे ही जुड़े हैं जैसा वो 5,000 साल पहले जुड़े थे। झारखंड दुनिया में मशहूर है अपने चित्रकला कोहवर और सोहराई के लिए जो पौराणिक काल से चली आ रही है, और आज भी ग्रामीण लोग इसे अपने घरों में बनाते हैं। हाँ, आज बनाए हैं। पहले गोबर से मिट लिए हैं, उसके बाद हाथ से बनाए हैं। इस मिट्टी को आप क्या बोलते हैं? हसा। हसा। हाँ।
तो क्या दीदी इसको पहले पीस करके? हाँ, पीस के नहीं, पानी में फुला देते हैं, पानी में फुला देते हैं, हल्का खारा लगा देते हैं, जो खाना बनाते हैं ना लकड़ी से वो वाला, और बस उसी से हम लोग कपड़ा से बनाते हैं। इसको बनाने की प्रक्रिया कुछ उसी तरह है जिस तरह हजारों साल पहले गुफाओं में आदि मानव चित्र बनाते थे। खेतों से मिट्टी लाना, फिर उस मिट्टी को चूरना, पीसना और रंग बनाकर अपने घरों की दीवालों में चित्रांकन करना, ये कुछ हद तक उसी परंपरा और परिवेश को दर्शाता है जिस परंपरा से आदि मानव रहा करते थे। हेतु, आप तर्क कर सकते हैं कि शायद ये विकास के दौर में पीछे रह गए, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके लिए विकास के मायने क्या हैं? तो दीदी कहाँ से सीखे बनाना? ये अपने मन से बनाया। तो ये कैसे, ब्रश से करते हैं क्या? ब्रश से नहीं, अपना हाथ से बनाया। तो उंगली उंगली सब छिल जाता हो? नहीं छिलता है, नहीं छिलता। अब तक हम लोग तो दो तीन कुछ करके बना बोले, अब तो ब्रश से हमने ब्रश से बना लिया। पहले कुछ से ही एक बना ले समय कपड़वा ने। आपके हाथ का वो दिखाई ना? मैं इस सफ़र में कई लोगों से मिला, पर धीरे धीरे मुझे ये समझ आ गया था कि कई आकृतियों में दृश्य संबंध होने के बावजूद लोगों ने इसको को भुला दिया था। पर जो वो आज भी नहीं भुला पाए थे वो थी सदियों से चली आ रही पारंपरिक प्रथाएं। इन लोगों ने जाने अनजाने गुफाओं में बनने वाली आकृतियों को अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में जीवित रखा था। अब तक मैंने अपने कई प्रश्नों के उत्तर पा लिए थे, मगर उस गुफा ने अभी भी कई राज दबा रखे थे। मैंने उन लोगों को भी खोज लिया था जिनके पूर्वजों ने उस गुफा में आकृतियां बनाई थी, पर शायद इस सफर में मेरे स्वयं की खोज अधूरी रह गई थी। और अब घर लौटने का वक्त हो चुका था। मैं सब कुछ जानने की चाह में इतनी तेजी से भागा कि शायद मैं पीछे पलट कर देखना ही भूल गया था, और तब मुझे एहसास हुआ। माँ, आपके पीछे क्या बना हुआ है? ये कोहबर बना हुआ है, और ये कोहबर आपकी सिस्टर की शादी में बना था। तो कोहबर का मतलब बच्चों का सुखी जीवन के लिए, भविष्य के आगे बढ़ने के लिए ये कोहबर आशीर्वचन के रूप में ही बनाया जाता है। जो बेसिक चीज है जो इसको बोलते हैं पुरैन, पुरैन बोलते हैं, मतलब अंगिका भाषा में इसको पुरैन बोलते हैं। और इसको बांस का पौधा जो कि ये वंश का प्रतीक है, लोग चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों नहीं हो जाए लेकिन हर कोई जो है अपने परंपरा से जुड़े रहना चाहते हैं। मैंने अपना पूरा जीवन झारखंड में ही बिताया है, पर आप मुझे आदिवासी नहीं कह सकते क्योंकि बचपन में मुझे बताया गया था वो हमसे अलग है। पर अगर कोहबर और सोहराई आदिवासियों की विरासत है तो उस हिसाब से तो मैं भी आदिवासी।
भाग